जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज देखेंगे हम जो कि हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। ये आने वाले तुम्हारे एग्जामों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें अभी तक के जितने भी रिपीटेड, यानी कि जो क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वह क्वेश्चन श्रृंखला इसमें जो 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला है इसमें ली गई है। तो आइए बिना देरी करे इसे शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नुनुक इसके चंदेल राजवंश के संस्थापक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो है चंदेल शासकों ने कराया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो यह वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंध पर विजय किस अरब आक्रमणकारी ने हासिल की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय हासिल की थी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी ने भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम का प्रचार प्रसार और धन संपदा को प्राप्त करना, यह महमूद गजनवी का जो एक टारगेट था भारत पर आक्रमण करने का। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय बुंदेलखंड पर किस वंश का शासक था? तो यह चंदेल वंश के शासक, जो कि उस टाइम बुंदेलखंड क्षेत्र में जो शासक थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका अगला क्वेश्चन है, जो महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? इनका सुल्तान सुबुक्तगीन इनका नाम था, जो महमूद गजनवी के पिता थे। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी कब सुल्तान बना? तो यह 998 ईस्वी में यह अपने आप में सुल्तान बना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को किन उपाधियों से विभूषित किया है? तो यह यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्ला, इन दो उपाधियों से इन्होंने विभूषित किया है महमूद गजनवी को। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी ने आनंदपाल पर आक्रमण कब किया? तो 1008 ईस्वी में आनंदपाल पर आक्रमण किया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो यह राज्यपाल इसका कन्नौज का शासक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो यह लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन और किस राजा किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन, बैडमैन कमीशन, वाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो यह जी सी हिल्टन यह न्यायाधीश थे जिन्होंने भगत सिंह को फांसी सुनाई थी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें आपको जीके के और हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी कराए जाएंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेगी, और जितनी भी भर्तियों की जानकारियां हैं, जितनी भी नई न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, सबकी जानकारियां हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि एक भी सूचना आपसे मिस ना हो। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने भूभाग है? तो यह पृथ्वी का कुल भूभाग जो है यह 29% है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम अंग्रेज थे जो मुगल दरबार में आए थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह 17 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो आप
बताएंगे इसमें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो पहला भारतीय शामिल हुआ था वह कौन हुआ था, यानी कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था तो इसमें कौन भारतीय शामिल हुआ था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। ये है क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो यह शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो यह बहुत ही बार आपका एग्जामों में पूछा जाता है कि तात्या टोपे के जो वास्तविक नाम है क्या था, तो यह रामचंद्र पांडुरंग जो इनका वास्तविक नाम था, यह बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेबेजली ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला इसको कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन जो नादिर शाह को कहा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस एक्ट को बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है, तो यह रोलेट एक्ट को कहा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो यह खुदीराम बोस जो कि सबसे कम उम्र में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल और कांसीराम ने जो गदर पार्टी की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन थोड़ा गलत क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हम आगे पहुंच गए हैं, थोड़ा देखते हैं नीचे। हाँ, ये यह क्वेश्चन गलत है, इसका आप सही जवाब देंगे कि गदर पार्टी की स्थापना किस किसने की थी। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लंपट मूरख किसे कहा जाता है, तो जहानदार शाह को जो है लंपट मूरख कहा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से इनकार किसने कर दिया था, तो यह महात्मा गांधी ने इस उपाधि को लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति के स्थापना किसने की थी, तो यह दादा भाई नरोजी ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की थी, तो यह दयाराम सानी ने 1921 में की थी। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यह तराइन का जो प्रथम युद्ध है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच यह तराइन का युद्ध देखने को मिला था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी उपाधि अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, तो यह आर्य अवधि में। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद हम देखेंगे, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो यह चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह बाबर जो पानीपत का प्रथम युद्ध देखने को मिला था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद देखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो किन किन के बीच लड़ा गया, तो बेगम खान और हेमू के बीच यह पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत की द्वितीय जो लड़ाई हुई थी यानी कि द्वितीय युद्ध हुआ था, तो वह कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था, शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच यह युद्ध देखने को मिला था, तो यानी कि जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी इनके बीच हुई थी, तो यह कब हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी यह 1751 ईस्वी में हुई थी। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे,
बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने यह जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज का भारत में पहली बार आगमन कब और कहाँ हुआ था? तो यह 24 अगस्त 1608 को जो गुजरात के सूरत शहर में इनका आगमन हुआ था। इनके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री आया था फैयान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा ने जो ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? तो यह पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया था। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी? तो यह आर्य समाज की स्थापना जो दयानंद सरस्वती जी द्वारा हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो यह रजिया बेगम थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस प्रदेश के शासक थे? तो यह मैसूर के शासक थे। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस राजा ने नष्ट किया था? किस राजा ने नष्ट किया था? तो यह सुल्तान महमूद ने जो नष्ट किया था। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे? तो यह जो सेवा करते थे यानी कि जो पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, तो यह पशुपति की सेवा करते। तो यह नहीं क्या जो फेमस देवता थे इनके पशुपति थे। तो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की आस्था किसके साथ जुड़ी हुई थी? तो यह पशुपति के साथ जुड़ी हुई थी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो यह बौद्ध धर्म से त्रिपिटक का संबंध देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो यह 1914 से 1918 तक लड़ा गया। तो यानी कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक यह प्रथम युद्ध देखने को मिलता है। इसके बाद है, द्वितीय युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो द्वितीय युद्ध 1 सितंबर 1939 से 1945 तक, यानी कि 2 सितंबर 1945 तक यह द्वितीय युद्ध लड़ा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो यह 1526 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब और किसने किसके बीच हुआ था? तो यह 1763 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच यह बक्सर का युद्ध देखने को मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ताजमहल किसने बनवाया था और कहाँ बनवाया था? तो सम्राट शाहजहां ने यह आगरा में ताजमहल बनवाया था। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप में भारत के किस देश यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व में वैश्विक क्रांति कब हुई थी? तो यह 1917 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1921 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज शिक्षा प्रारंभ कब हुई, अंग्रेजी शिक्षा? तो यह मैकाले के समय में अंग्रेजी शिक्षा का जो शुरुआत हुई थी भारत में, यह मैकाले के समय में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने किया था। तो यानी कि जो जनरल डायर का पूरा नाम है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो यह भी आप जानते होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो यह अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह 1767 ईस्वी में जो अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध की अवधि क्या थी? तो 1780 से 1784 द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध था, और 1789 से 18 मार्च 1792 तक यह तृतीय अंगल मैसूर युद्ध चला। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं?
तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर के 11 शिष्यों को क्या कहा जाता था, उन्हें गणधर कहा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावीर ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया, तो रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया, यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो महावीर की मृत्यु हुई थी तो वह कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह है बिम्बुसार थे, बिम्बिसार जो हर्यक वंश की स्थापना की थी इन्होंने। स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने का अधिकार किसने दिलाया था, तो जो बुद्ध के शिष्य आनंद थे इन्होंने स्त्रियों के लिए भिक्षुणी बनाने का अधिकार दिलवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बिम्बिसार का पुत्र कौन था, तो यह अजातशत्रु था। अजातशत्रु के पश्चात मगध की सिंहासन पर कौन बैठा था, उदयन बैठा था। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो यह विराट नगरी थी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह नागदासक इसका अंतिम शासक था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयभद्र ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धन नंद। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर के गुरु कौन थे, तो यह अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था, यह फिलिप सिकंदर के पिता का नाम था। तो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा है। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 1769 ईस्वी तक यह चला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, यह एक अच्छा कार्य किया था। तो यह क्वेश्चन भी आपको बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो यह सती प्रथा पर रोक लगाई थी विलियम पेंटिक ने। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाणक्य ने किस वंश को नष्ट कराने की कसम खाई थी, तो यह नंद वंश को। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, तो यह मेगास्थनीज ने लिखी थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मुद्रा राक्षक एक पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है शूद्रक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुजरात पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, यह जूनागढ़ अभिलेख में जो लिखा हुआ है, तो यह गुजरात शासन पर लेख लिखे हुए हैं उसमें। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, 324 ईस्वी पूर्व पंजाब का राजा कौन था, तो यह पंजाब का राजा कौन था, प्रवर्तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर से युद्ध किस स्थान पर हुआ था, तो यह किसी भी स्थान पर नहीं हुआ था। यह क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही रखा गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा है, तो यह चार प्रांतों में बटा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का साम्राज्य कितने राज्यों में बटा था, यह अशोक का साम्राज्य पांच राज्यों में बटा था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी, तो उत्तरापद की राजधानी यह तक्षशिला थी। मौर्य प्रशासन में विभागों को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस साल में म्यांमार भारत से अलग हुआ, तो यह 1937 में हुआ। यह क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जामों में देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे कि किस साल म्यांमार को भारत से अलग किया गया था, तो यह 1937 में किया गया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार आपका एग्जामों में रिपीट होता है। इसके बाद है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना प्राचीन शहर कौन सा है, तो यह हड़प्पा है। इसके बाद है, वैदिक गणित की महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है, तो शुल्ब सूत्र यह इसका महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो 102 नंबर पे है, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरीके की और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो एक ही वीडियो में आपका एक जो सब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा।
तो आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसकी पीडीएफ हमारे जो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं लिखकर पीडीएफ। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो यह है ज्यामिति सूत्र से, ज्यामिति से संबंधित है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो सेल्यूकस को। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो यह 262 ईस्वी में यह विजय प्राप्त की थी। तो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो यह आप इसकी जो यह है इसमें गलत दी गई है, तो आप शुंग वंश की स्थापना कब हुई है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिका जो पुस्तक है यह किसने लिखी थी? तो मेघास्त्री ने यह पुस्तक लिखी थी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल है इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक हमारे जो वीडियो है इसे शेयर करें। धन्यवाद।